आइए कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान मजदूर किसान का लेना भारत 8 जनवरी भारत बंद है किसान मजदूरों का लेना 8 जनवरी भारत बंद है मजदूर किसानों का लेना 8 जनवरी भारत बंद है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद सभी किसान भाइयों और मजदूरों से अपील है कि सारे भारत के किसान संगठनों और श्रमिक संगठनों ने मिलकर कल 8 जनवरी 2020 को ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है। हम सभी किसानों और मजदूरों से आग्रह करते हैं कि आप अपनी इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए अपने हक के लिए आप सभी कल 8 जनवरी के दिन ना तो कोई सामान खरीदें और ना अपना कोई सामान बेचें। संपूर्ण ग्रामीण भारत का बंद का ऐलान सफल बनाइए जिससे किसान और मजदूरों की जो उपेक्षा हो रही है सरकार का उस तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए। जय हिंद जय जवान किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता। कल 8 जनवरी 2020 को संपूर्ण ग्रामीण भारत बंद का ऐलान भारत के तमाम किसान व मजदूर संगठनों ने मिलकर किया है। 29-30 नवंबर नई दिल्ली रफी मार्ग कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के मावलंकर हॉल में 250 से अधिक किसान संगठनों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ बैठकर यह प्रस्ताव पारित किया कि किसानों और मजदूरों की हो रही उपेक्षा अब भारत का किसान और मजदूर बर्दाश्त नहीं करेगा और हम सभी मिलकर 8 जनवरी 2020 को ग्रामीण भारत बंद करेंगे। भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के इस ऐलान के बाद भारत की तमाम ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के साथ तमाम श्रमिक संगठनों ने भी इसमें अपनी सहभागिता जताई है और वो सारे किसान संगठन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस आयोजन में कल भाग लेंगे और संपूर्ण ग्रामीण भारत बंद को सफल बनाएंगे। इस भारत बंद का आवाहन करने की क्यों जरूरत पड़ी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। वर्ष 2018 से भारत की संसद के समक्ष किसानों के हित के किसानों के द्वारा समर्थित 2 विधेयक भारत की संसद में पेंडिंग पड़े हैं। नंबर 1 किसान कर्ज मुक्त विधेयक 2018 और लाभकारी समर्थन मूल्य विधेयक के लिए विधेयक 2018। भारत सरकार और भारत की संसद से किसान संगठनों की अपील है कि वे किसान हितैषी इन 2 बिलों को तत्काल पास करें, कानून बनावें जिससे भारत के किसान को सुरक्षित किया। कृषि उत्पाद एवं लाभकारी समर्थन मूल्य की गारंटी सुधार विधेयक 2018 भारत की संसद में लंबित है, इसे सरकार को पास करना चाहिए। किसानों के लिए जो बीमा नीति की घोषणा है वह उस बीमा नीति से किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। ये बीमा नीतियां भारत सरकार
बीमा कंपनियों के हक में बना रही है। फसलों का नुकसान होने के बाद किसानों को ना तो आपदा राहत मिलती है ना बीमा क्लेम मिला। बीमा नीति का निर्माण किसानों के हित में किया जाए। भूमि अधिग्रहण करके भारत में तमाम एसीजेड परियोजनाएं स्थापित की गईं और बीसियों वर्ष से दो दो तीन तीन दशक से जमीनें अनुपयोगी पड़ी हुई हैं, वे जमीनें किसानों को वापस की जाएं और भूमि अधिग्रहण में बगैर किसानों की सहमति के किसानों का भूमि अधिग्रहण ना किया जाए। इन्हीं मिलों में किसानों के गन्ना भुगतान के जो पेमेंट पड़े हुए हैं उनको तत्काल दिया जाए। आत्महत्या कर चुके किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और जीने के अवसर के लिए नए कानून बनाए। मजदूरों की मजदूरी सरकार द्वारा तय न्यूनतम सरकारी मजदूरी से कम ना दी जाए और मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को पूरा देने के साथ ही इनके कार्य दिवस 100 से 200 दिन गारंटी शुदा किए जाएं। वृद्ध किसानों को जिन्होंने 60 साल की अपनी अवस्था पूरी कर ली है सरकार उन्हें 10,000 रुपए मासिक पेंशन दे। परिषदीय विद्यालयों में रसोइयों का श्रम शोषण हो रहा है, उन्हें 1500 रुपए और 1200 रुपए मासिक अलग अलग प्रदेशों में दिया जा रहा है। परिषदीय विद्यालयों में जो रसोइयां भोजन बना रहे हैं उन्हें भी सरकार द्वारा तय निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम कतई ना दिया जाए। आदिवासी किसानों के हितों की रक्षा की जाए। इस तरह से जय किसान आंदोलन, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और अन्य तमाम भारत के किसान और मजदूर संगठनों, ट्रेड यूनियनों ने उपेक्षित सरकार द्वारा उपेक्षित किसानों और मजदूरों की हक की लड़ाई का ये शंखनाद किया है। यह किसान और मजदूर के हक की लड़ाई की शुरुआत है। अतः जय किसान आंदोलन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति देश के सभी प्रबुद्ध जनों, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों से यह आग्रह करता है कि कल 8 जनवरी ग्रामीण भारत बंद के इस आह्वान को सफल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से ना तो कोई अपना उत्पाद, कृषि उत्पाद, दूध, मुर्गी, मछली, सब्जी या अनाज बाजार में बेचें और ना ही कोई खरीदारी करें।